देखिए YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत नए नए अपडेट लाता है, नए नए फीचर लाता है ताकि क्रिएटर को भी फायदा हो और YouTube के यूजर्स को भी फायदा हो। लेकिन अभी YouTube ने अपने एल्गोरिदम के अंदर एक ब्रिज बना दिया है और ये जो ब्रिज है ये क्रिएटर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा अगर क्रिएटर कुछ बातों को ध्यान में रखेगा। तो वो कौन सी बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये ब्रिज क्या है और कैसे काम करेगा और इससे आपको कैसे बेनिफिट है। तो आपको करना क्या है, दो ही काम करने, वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube ब्रिज एक्चुअल में क्या है। तो देखिए जो YouTube ब्रिज है ये कोई फीचर नहीं है और ना ही कोई अपडेट है, ये एल्गोरिदम में ही एक ब्रिज बना दिया गया है। मेरे मैनेजर से मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, जो यूट्यूब के मैनेजर है, तो उन्होंने इसके बारे में मेरे को डिटेल से समझाया और ये सच में क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब ब्रिज है क्या पहले समझिए। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि लगभग सारे यूट्यूबर, मतलब थोड़े बहुत यूट्यूबर को अगर छोड़ दें तो अपने एक ही चैनल पर शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं और लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने दोनों का टैब ही अलग अलग कर दिया। शॉर्ट्स का टैब अलग है और लॉन्ग वीडियो का अलग टैब। शॉर्ट्स की जहाँ तक बात है, शॉर्ट्स पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि वो स्वाइप अप फीड में चलता है, और लॉन्ग वीडियो जो है वो आपके सब्सक्राइबर के पास जाता है, आपके ब्राउज फीचर में जाता है सर, उससे उस पर व्यूज़ आते हैं। अब ये जो ब्रिज बनाया है ना, इसका पहले मैं समझाता हूँ ब्रिज में कैसे काम करेगा, फिर बताऊंगा आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो ब्रिज का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं, तो ब्रिज कैसे क्रिएट होगा। तो जो आपका यूजर होगा, मान लीजिए आपका कोई यूजर है, वो आपकी लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपके चैनल पे आया है और वो लॉन्ग वीडियो उसने देखी है, दो तीन वीडियो आपकी उसने देख ली, उसको पसंद आई, तो अब क्या करेगा कि जब वो शॉर्ट फीचर की जो स्वाइप अप फीड है उसमें जाके शॉर्ट्स स्क्रॉल करेगा, और आपने अगर अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं तो आपके जो शॉर्ट्स है उनके चांसेस बढ़ जाएंगे उसके सामने आने के, उसके स्वाइप अप फीड में आपके शॉर्ट्स भी जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई और यूजर है जो आपके शॉर्ट्स देखे हैं, उसने स्वाइप अप फीड में जब भी वो स्वाइप करता है आपके शॉर्ट्स देखता है वो, और बार बार उसने शॉर्ट्स देखे हैं, तो अब इसके भी चांस बढ़ जाएंगे इस ब्रिज की वजह से कि जो आपकी लॉन्ग वीडियो होगी वो भी उसको रिकमेंड की जाएगी, उसके ब्राउज फीचर में या कहीं भी उसको वो मिल जाएगी। यानी कि आपकी एक ऑडियंस आपके चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू आए या फिर लॉन्ग वीडियो के थ्रू आए, उसको दूसरी फॉर्मेट का जो वीडियो है वहां तक पहुंचने में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि YouTube ने जो ब्रिज क्रिएट किया है ना वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया कि ब्रिज कैसे काम करेगा। अब हमको क्या करना है एज ए क्रिएटर जिससे हमें बहुत बेनिफिट हो। तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं, तो दोनों के जो टॉपिक है ना वो सिमिलर रखें। अगर सिमिलर रखेंगे तो ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। मान लीजिए मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं, मैं फैक्ट के शॉर्ट बनाता हूं, और कोई यूजर हमारे शॉर्ट्स के थ्रू हमारे चैनल पे आ रहा है और स्वाइप अप फीड में हमारे शॉर्ट्स देख रहा है, सिर्फ वो शॉर्ट्स ही देखता है बस। अब क्या है कि मान लो मैंने फैक्ट से या साइंस के रिलेटेड ही कोई वीडियो बनाया, बड़ा लॉन्ग वीडियो, अब यूट्यूब ने वो वीडियो इस ब्रिज के माध्यम से उसको रिकमेंड कर दिया, तो वो ये भी देख लेगा क्योंकि सिमिलर टॉपिक है। लेकिन मान लीजिए हमने लॉन्ग वीडियो में मैथ पढ़ाई है और वहां हम उसमें मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं शॉर्ट्स में, और वो मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू हमारे पास आया और मैथ का वीडियो का रिकमेंड भी किया, तो वो नहीं देखेगा। तो हमको एज ए क्रिएटर बस एक ही काम करना है कि जिस भी चैनल पे हम काम कर रहे हैं दोनों फॉर्मेट में, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, तो उनके टॉपिक थोड़े बहुत सिमिलर रखने चाहिए। हमको थोड़ा दिमाग से आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर एक ही ऑडियंस को दोनों चीजें रिकमेंड की जाएगी, हमारे शॉर्ट्स भी और हमारी लॉन्ग भी, तो वो यूजर दोनों में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और ये ब्रिज काफी बढ़िया है। अगर आपको चैनल पे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर चाहिए और जल्दी जल्दी थोड़ा वॉच टाइम वगैरह बढ़ाना है या जल्दी जल्दी आपको ग्रो करना है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं और लॉन्ग भी डाल सकते हैं। हमारे और भी चैनल है जिन पे मैं ये काम कर रहा हूँ और इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये जो ब्रिज वाला माध्यम था मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ऐसे कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।